भाई ने पूछा है, भाई अपडेट के 2 दिन पहले मेका का डैमेज मस्त था और मैच में 15+ किल हो जाते थे, बट आफ्टर नव मेका अपडेट बोरिंग। ऑलराइट, 3.2 अपडेट में जितने भी व्हीकल्स प्लस आइटम का डैमेज कितना है इस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं जेटपैक की। जेटपैक का कितना यहाँ पे देखो, कितनी बुलेट में ये डैमेज होता है प्लस यहाँ पे ब्लास्ट होता है ये देख सकते हो। ओके, तो जेटपैक को हम 4 बुलेट के अंदर ब्लास्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें इसकी ब्लास्ट होने के बाद में, तो एनिमी जो भी पहना होता है उसको डैमेज भी नहीं होता। बात करते हैं आर्मा मेक से एनिमीज को कितने हिट में मार सकते हैं। तो हाँ यार, आर्मा मेक के यहाँ पे नफ हुआ है डैमेज, यहाँ पे पहले 2 में मरता था अब 8 में। अब बात करते हैं मैग्नेट गन की, आखिर कितने सेकंड तक हम एनिमीज को यहाँ पे ग्रैब करके रखें तो मरेगा। तो अगर एनिमी को ग्रैब करके रखते हो मैग्नेट गन से, तो 4 सेकंड के अंदर वो नॉक होता है एंड यहाँ पे 6 सेकंड में किल हो जाता है। तो करते हैं अगली ट्रिक की बात पर, उससे पहले उन सबको दिल से शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को टच करते लाइक कर लिया था। सब्सक्राइब, आप वीडियो एंड तक देखो, कुछ भी पसंद आए तब कर सकते हो, कोई जरूरी। तो अब बात करते हैं लेविट्रॉन की, लेविट्रॉन को कितने हिट से एनिमीज को मार सकते हैं। तो अगर आपके पास लेविट्रॉन है तो आप 3 ही हिट में एनिमीज को किल कर सकते हो इजी पीजी, जो कि बहुत आसान है। अब बात करते हैं अगर आपको लेविट्रॉन से स्ट्राइडर को अटैच नहीं कर रखा तो भी आपको आरटी, यहाँ पे देखो आरटी हिट में एनिमीज मरता है जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो क्या आप बीजीएमआई टूर्नामेंट खेल के रोज 5 लाख रुपए जीतना चाहते हो, ये वाला पार्ट एंड तक देखना। ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग का 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड है और 10 करोड़ की विनिंग बांट चुका है। एंड यार, इस ऐप की सबसे अच्छी बात तो ये कि आपको काफी टाइप के टूर्नामेंट मिल जाते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट में 0 वेटिंग टाइम है यार। हाँ, इस ऐप में आपको कस्टम रूम की जरूरत नहीं है, बस अपना क्लासिक रैंक खेलो जो आप रोज ही खेलते हो। एंड सो स्ट्रॉन्ग खुद ही किल डिटेक्ट करके आपको पैसा दे देगा, तो यहाँ से रोज बीजीएमआई खेल के पैसा जीतना तो गारंटीड है यार। और तो सो स्ट्रॉन्ग की एंटी चीट इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। तो यार, सो स्ट्रॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, आप लिंक से डाउनलोड करो। पहले 1000 यूजर को 600 रुपए बोनस बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिससे आप टूर्नामेंट खेल सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और यार, सबसे मजे की बात तो ये है, जो भी पैसे जीते हैं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, यूपीआई से आप विड्रॉ कर सकते हो इंस्टेंट। मोगेम्बो खुश। तो यार, अब देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट और जीतो डेली के 5 लाख रुपए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा, अभी जाके डाउनलोड करो। इवन तो अगर आपके पास जेट पैक की मैग्नेट गन को यूज करते हो एनिमीज पे तो भी 6 सेकंड ही लगे। अब बात करते हैं आर्मा मेक को हम कितनी बुलेट में ब्लास्ट कर सकते हैं। आर्मा मेक को ब्लास्ट करने के लिए आपको अप्रोक्स यहाँ पे देखो 100 बुलेट लगेगी, इवन दो जो एनिमीज बैठा है उसको डैमेज भी नहीं होता जैसा कि आप देख ही सकते हो। अब बात करते हैं लेविट्रॉन को हम कितनी बुलेट में यहाँ पे ब्लास्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो सामने की तरफ लेविट्रॉन है। तो लेविट्रॉन को ब्लास्ट करने के लिए हमको 50 बुलेट लगती है, इवन दो जो एनिमीज बैठा है उसको डैमेज भी होता है ब्लास्ट के टाइम। तो जैसा कि ये चीज अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हो यार। अब बात करते हैं मैग्नेट गन से निकले हुए स्टोन से हम कितने यहाँ पे स्टोन को फेंक के एनिमीज को मार सकते हैं। सिर्फ 2 हिट में हम एनिमीज को नॉकआउट कर सकते हैं स्टोन से भी। तो अब बात करते हैं स्ट्राइडर को हम कितनी बुलेट के अंदर यहाँ पे फायर करके यहाँ पे देखो डैमेज करके ब्लास्ट कर सकते हैं। तो स्ट्राइडर को ब्लास्ट करने के लिए आपको 56 से यहाँ पे 60 बुलेट यहाँ पे फायर करनी पड़ती है। इवन दो जो भी एनिमी यहाँ पे स्ट्राइडर के अंदर है उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता यहाँ पे ब्लास्ट होते टाइम, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हो। 3.2 अपडेट में अगर कोई भी कार को आप ब्लास्ट करते हो तो पूरा का पूरा फिर भी आपको 5 सेकंड मिलते हैं उतरने के लिए। जैसे कि ये देखो कार ब्लास्ट है, फिर भी 5 सेकंड मिल रहा है एनिमीज को, अगर उतर गया तो ठीक है वरना तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। बात करते हैं आर्मा में कि हम कितनी मिसाइल से एनिमीज को मार सकते हैं। तो आर्मा सामने आपको एनिमीज दिख रहा है, इवन पीओवी दिख जाएगा।
टू मिसाइल के अंदर हम एनिमीज को नॉकआउट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये भी कर सकते भाई ने पूछा, अगर ग्लिच करके एरेंगल मैप के नीचे जाए तो पानी के पास ऑक्टोपस दिखेगा 100% रियल, मैंने एक वीडियो में देखा था। ओके ओके, तो सामने की तरफ अगर यहाँ पे देख सकते हो तो पानी की साइड में आ चुका हूँ ग्लिच करके, और मेरे को यहाँ पे देखो ऑक्टोपस दिख रहा है भाई। टोटली यहाँ पे अपन यहाँ पे टेल ही दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब देख सकते हो ये पूरा का पूरा नीचे से कुछ इस तरीके से दिखता है भाई, क्रीपी टाइप दिख रहा है, बहुत ही खतरनाक। आप कमेंट करके जरूर से बताना कि आपने पहले ये देखा है या नहीं, या मेरे वीडियो के थ्रू। ये वीडियो पसंद आ रहा तो जरूर से लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो भाई। कितने टोटल रिकॉल मिलते हैं तो ध्यान से समझो, असेंबली बेस प्लस स्टील आर्क, जहाँ पे भी आप लैंड करोगे आपको एक एक रिकॉल मिलेगा। लेकिन तो कुल मिला के कहना यही है, मैच में कहीं उतरो रिकॉल एक ही है भाई। जेटपैक का फ्यूल खत्म होता है कि, और अगर खत्म होता है तो, और होता है तो हम उसे रिफ्यूल करवा सकते हैं, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो जिनका भी ये डाउट है क्लियर कर देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी बार नहीं है, मतलब यहाँ पे देखो फ्यूल भरने का कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, जब तक ये ब्लास्ट नहीं हो जाता तब तक यूज करो। भाई ने पूछा है, भाई मेरा हिट 3 एनिमी सेम टाइम विद स्ट्राइडर मिशन अनलॉक नहीं हो रहा, रिकॉल कितनी बार कर सकते हैं, रिस्पोन बीकन स्ट्राइडर के फुट से एनिमी को कैसे मारना नहीं हो रहा। तो भाई आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी ग्लिच चल रहा है, तो वो मेरा भी नहीं हो रहा, इवन बहुत सारे बंदों का भी नहीं हो रहा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, रिस्पॉन बीकन से सिर्फ एक ही बार रिकॉल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, एनिमी को मारने के लिए आपको जो स्ट्राइडर का यहाँ पे फुट है ना, उसको एनिमी के ऊपर लेके जाना है, पूरा रियल लाइफ यहाँ पे लॉजिक होता है गेम में। भाई ने पूछा, ब्रो एक रिस्पॉन कार्ड मिलता है, उसे कैसे यूज करे और अपने को कैसे रिकॉल करे। तो भाई देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर आप स्टील आर्क पे लैंडिंग करते हो तो ऑटोमेटिक आपके बैग में आ जाता है, लेकिन अगर असेंबली बेस में जाते हो तो रिस्पॉन कार्ड को आपको यहाँ पे देखो इस तरीके से उठाना पड़ता है, और जैसे आप नॉक होते हो तो ये ऑटोमेटिक ही यूज होता है, बस आपको उठाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक यूज हो जाता है, मतलब आपको कुछ यूज करने की जरूरत। ये इन्फो अच्छी लगी तो कर दो यार एक लाइक, तो कर ही सकते हो इतना तो। भाई रिकॉल पे वीडियो बनाओ, कितना रिकॉल है इवेंट पे। तो देखो भाई आपके साथ साथ बहुत सारे बंदों का यहाँ पे डाउट रहता है, अगर आपको पता है कि स्टील आर्क में लैंडिंग करोगे ना तो आपको एक रिकॉल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो जब असेंबली बेस में आते हो ना तो आपको बहुत सारे रिकॉल कार्ड मिलते हैं जिनको इस तरीके से उठाना पड़ता है। तो आप समझ लो कि कितने ही रिकॉल उठा लो आपको सिर्फ एक ही रिकॉल मिलेगा, चाहे कहीं से भी ले लो दोनों से। भाई ने पूछा, वैसे ये सब तो पसंद नहीं आया, बट हमारा पुराना रेंडम मैप रहेगा क्या, ये स्काई आई स्पेक्टिकल। आई थिंक ब्रो आप बिगिनर प्लेयर हो, तो देखो गेम का स्टार्टिंग से ऐसा है, कोई मतलब जब भी गेम में न्यू मोड आता है तो यहाँ पे देखो ओल्ड वाला मोड यहाँ पे रिमूव हो जाता है, न्यू हो जाता है उसकी तरह। भाई रोबोट पंच को किस तरह यूज करे, तो ये कमेंट भाई के अलावा बहुत सारे बंदों ने किया था, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, जो मिसाइल इवन यहाँ पे देखो मैग्नेट गन है, इनको सेलेक्ट करके नहीं रखना है, जैसे ही करोगे तो आपके पास यहाँ पे पंच वाला, बस आपको कंट्रोल में जाके उसको विजिबल कर देना, आपको साफ साफ दिख जाएगा आपको। ओके, तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके भी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अपने वीडियोस मिल, तो क्वेश्चन लिखते टाइम ये चीज याद रखना, आपको हैशटैग लगा कि क्वेश्चन लगा कि, फिर आगे यहाँ पे जो भी आपको पूछना है 3.2 अपडेट के बारे में पूछ सकते। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।